और खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे अहम खबर के साथ। सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस इकाइयों को एक निर्देश दिया है, प्रत्येक पीसीसी हर श्रमिक का आने जाने का खर्चा उठाए, उनकी घर वापसी को लेकर हर संभव कदम उठाए जाएं। ये निर्देश सोनिया गांधी की तरफ से दिए गए हैं। सोनिया गांधी के आह्वान के बाद अहमद पटेल के निर्देश, प्रत्येक राज्य की पीसीसी को अहमद पटेल ने ये निर्देश दिए। पटेल ने कहा, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है श्रमिक मजदूर कामगार की घर वापसी करने में मदद के लिए, उनके रेल किराए के खर्च को वहन करने का जिम्मा उठाए हैं। ऐसे में आप लोग सभी पीसीसी जिला और ब्लॉक इकाइयां इस दिशा में काम करें, किसी भी सहयोग के लिए AICC से संपर्क में रहें। तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने मजदूरों की घर वापसी को एक बड़ा मुद्दा बनाया और ये कहा था कि जिनके पास पैसे नहीं है वो जा नहीं पा रहे हैं, ऐसे में अब कांग्रेस इनका खर्च उठाएगी, इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमला भी बोला था। सोनिया गांधी ने कहा कि हमने पहले ही केंद्र सरकार से कहा था कि वो इन श्रमिकों को उनके घर वापस पहुंचाने के लिए व्यवस्था करे। रेलवे से भी कहा गया था कि जिनके पास पैसे नहीं है उनकी भी वापसी होगी, अब ऐसे में उनको मदद की जरूरत है। लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि हम अपनी मदद से उनको घर पहुंचाएंगे। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी कोशिश, लेकिन इस पर पलटवार भी बीजेपी की तरफ से हो चुका है। अब ये क्या माने कि ये मजदूरों श्रमिकों की ये सियासत एक बार फिर से गर्मा जाएगी और ज्यादा? देखिए, आप सही फरमा रही है। और ये जो पूरा मसला है ये न केवल राजस्थान का और दूसरे राज्यों का है, ये पूरा मसला पूरे सेक्टर वाइड स्टेटमेंट सोनिया गांधी का है। और उन्होंने ये कहा है कि उनकी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां इस बारे में निर्देश जारी करें, इस बारे में काम करें कि जो श्रमिक कामगार मजदूर प्रवासी अपने राज्य में आना चाह रहा है उसकी पूरी मदद की जाए, और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो किराया है उसको वहन करने का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को करना चाहिए। और इस बारे में अहमद पटेल ने भी निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने भी ये कहा है कि सोनिया गांधी का जो कॉल है सभी को मानना है, और इस बारे में AICC जो सपोर्ट करेगी उस बारे में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां AICC को अपनी रिकमेंडेशन लिख के भेजेंगी, तो AICC इस बारे में निर्देश जारी करे। तो कुल मिलाकर यूं कहा जा सकता है कि अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिन पायलट जयपुर में मीटिंग भी लेने वाले हैं, इस पूरे मसले को लेकर जो प्रभारी बनाए गए थे संभागों के उनसे जानकारी लेंगे, फीडबैक लेंगे, और इस बारे में निर्देश भी उन्होंने पहले ये कह दिया था कि सभी को इस बारे में मदद करनी है। अब जब किराए की बात आ रही है तो कल सचिन पायलट ने चिट्ठी भी लिखी थी, केंद्रीय मोदी सरकार पे बयान भी जारी किया गया था कि केंद्र की सरकार के फंड से और जो PM केयर फंड से भी रेल किराए का खर्च जो है वो केंद्र की सरकार को वहन करना चाहिए। बिल्कुल, और इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी हमला किया था। लेकिन योगेश, अब जब ये निर्देश पहुंचे हैं पीसीसी के पास, तो पीसीसी के पास क्या ऑलरेडी कोई रोड मैप है या उसको बनाया जाएगा? बनाया जाएगा तो कैसे इन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, पूरे इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दे दिए हैं, और जो सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा वो यही रहेगा कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तहत जो जिला कांग्रेस की टीम है, जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो कांग्रेस पार्टी के है, वो इस बारे में अपनी मदद करेंगे, और जो जहाँ के प्रवासी हैं उनको गंतव्य तक पहुँचाने में, उनके किराए का खर्च वहन करने में वो अपना जो कहे कि वो अपनी तरफ से काम करेंगे। इस पूरे मसले को जो लेकर रोड मैप जो है वो यही है कि सभी प्रभारियों को इस बारे में निर्देश दे दिए जा चुके हैं कि वो जो भी वहाँ पर जो दिक्कतें आ रही है उस बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तुरंत इतला करें। लेकिन सुषमा, जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे इस घटनाक्रम के पीछे जो कहानी है वो है कर्नाटक से शुरू होती है। कर्नाटक का जो मॉडल है वो यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने लगता अपनाया है। दो दिन पहले ही DK शिवकुमार जो कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया था, और उन्होंने ऐलान ही नहीं किया बल्कि कर्नाटक कांग्रेस कमेटी की ओर से वहाँ पर जो वहाँ का स्टेट रोडवेज जो ट्रांसपोर्ट निगम है उसको वहाँ उन्होंने अपनी तरफ से पैसा दिया। कहा कि प्रवासी जो को लेकर जो किराए की दिक्कत आ रही है वो वहाँ की KPCC वहन करेगी। तो ये वो रोल मॉडल
वहां पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, येदियुरप्पा की सरकार है, और वहां डीके शिवकुमार ने बड़ा स्टेप लिया और कर्नाटक की कांग्रेस ने वहां की जो स्टेट रोडवेज है उसको मदद की, उसको उसके फंड में पैसे डाले कि वो प्रवासी श्रमिकों के किराए का खर्चा केपीसीसी वहन करेगी। इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, लगता यही कि कर्नाटक का जो मॉडल है वो पूरे देश भर की कांग्रेस कमेटियों को निर्देश के तहत लागू करने को कहा है। हाँ। और ये पूरी जो सियासत है अब ये देशव्यापी हमें नजर आने लगी है। यहाँ पर दूसरी एक और बात आ रही है, जो जो दिक्कतें आ रही है यहाँ पर, जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो राजस्थान गुजरात के बीच जो प्रवासियों का जो आगमन है, वो कई जगह से प्रवासी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बारे में राजस्थान की सरकार भी गुजरात सरकार को कह चुकी है और जो वहाँ साधन जो प्रोवाइड कराए जाने वो भी कह चुकी है। दूसरी डिमांड यहाँ पर और भी कई जनप्रतिनिधि कर चुके हैं कि जो प्रवासी कामगार है अपने साधन से आना चाह रहा है, हाँ। उसको आने की अनुमति गंतव्य तक दी जानी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो आप देखिए कि कैसे सोनिया गांधी के निर्देश को तमाम राज्य इकाइयों जिला इकाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पहले ही जुटने के लिए कहा गया था कि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जाए।